हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा सभी को वेलकम अगेन फॉर यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो हम भी अच्छे। तो सामने से लुक राइडिंग पोस्टर कुछ इस तरीके का आता है, देख सकते हैं। और आज का जो ब्लॉग है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर होने वाली है, वो स्कूटर TVS की है। जो कि पटना में अभी नंबर 1 पे चल रही है। और बैटरी बैकअप के बारे में बोले या रेंज के बारे में बोले तो उसमें भी एक नंबर है। तो आज का ब्लॉग उसी के ऊपर होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, बिना देर किए हुए चलते हैं और इसका रिव्यू देखते हैं और स्कूटी के बारे में जानते हैं। तो कुछ इस तरीके का लुक देख सकते हैं कि ऊपर असिस्टेंट लोगों के साथ ही प्रोवाइड किया जाता है। और ये ग्रे और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है। और इसकी जो यहाँ पे स्पेसिंग देख रहे हैं वो भी पेट्रोल स्कूटी की तरह यहाँ पे स्पेसिंग दी गई है, तो ये भी एक खास और अच्छा है। आपके सामने TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर मोस्ट पावरफुल। इसमें आपको तीनों मिलने वाली कंफर्ट, स्पीड और किलोमीटर रेंज, तीनों ही इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन मिलने वाला है। आसपास का नज़ारा देखिए कुछ इस टाइप का है। और आप TVS की इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये पटना में और TVS कंपनी में धमाल मचाई हुई है और ये नंबर 1 पे आने वाली है पूरे पटना भर में, क्योंकि ये काफ़ी आपके लेवल रेंज में आ जाती है और काफ़ी फीचर्स के साथ आती है। तो बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो इसकी जो सीट कंफर्टेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा तक अच्छी है, आप खुद भी इसका टेस्ट लेके देख सकते हैं। और ये काफ़ी लेटेस्ट स्मार्ट एक्स कनेक्ट के ऑप्शन के साथ आ जाती है, देख सकते हैं। तो अभी ये iQube इलेक्ट्रिक स्कूटी इको मोड में चल रही है और इको मोड में ये देखते हैं इसकी स्पीड कितनी इको मोड में। तो बने रहिए और चलिए देखते हैं इसकी इको मोड में कितनी तक जाती है। इसकी स्पीड जो इको मोड में है वो तकरीबन 52 किलोमीटर तक जाती है लास्ट। और दो मोड में ये स्कूटर आती है, एक इको और दूसरा पावर। यहाँ पे देख सकते हैं इको 52 तक लास्ट जाती है के साथ आती है। और इसकी जो प्राइस आपको पड़ने वाली है तकरीबन 1,52,000 के आसपास पड़ने वाली है। और बात करें इसकी स्विचेस की, तो यहाँ पे हम लोग चाबी ऑन कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। तो ये हाई बीम लो बीम के साथ आती है। और ये इंडिकेटर स्विच हो गया आपका, ये हॉर्न स्विच हो गया और ये हेजार्ड स्विच हो गया, जो कि आप देख सकते हैं हेजार्ड स्विच का लुक कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे हेजार्ड स्विच बंद करना। और इसकी अभी जो बैटरी है तकरीबन 60% है और रेंज जो है 63 किलोमीटर की दिखा रही है। और ये पार्किंग स्विच है, ये स्टार्ट मोड स्विच है। अगर आप स्टैंड को उठाते हो और आप स्टैंड उठ चुका है, देख सकते हैं ये फ्रंट या रियर ब्रेक, आप जब एक बार पुश करके मोड बटन पर क्लिक कीजिएगा तो गाड़ी स्टार्ट मोड में हो जाती है। और ये दो मोड के साथ आती है, पहला जो देख सकते हैं ये ग्रीन वाला जो इको मोड है और रेड वाला है जो पावर मोड है। पावर मोड में किलोमीटर की रेंज जो है काफ़ी हद तक घट जाती है, स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड काफ़ी ज़्यादा लेवल अप हो जाता है। कितनी अच्छी सी फिनिशिंग दी गया है ये iQube इलेक्ट्रिक के साथ। और बात करें इसके स्पेसिंग की, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें, दो हेलमेट का स्पेस काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, देख सकते हैं आप। और इसी के नीचे में बैटरी है जो कि लिथियम बैटरी है और इसकी जो कंपनी के तरफ से वारंटी मिलती है वो 5 साल के वारंटी मिलती है, देख सकते हैं। इसका लुक कुछ सामने से आपको ऐसा दिखने वाला है, सामने से लुक इसका कुछ ऐसा दिखने वाला है। और ये काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। और एक
पावरफुल ब्रांड के साथ आता है पूरी, ये डिस्क वेरिएंट के साथ आती है, आगे में जो वेरिएंट है इसका डिस्क ब्रेक के साथ आती है और पीछे में इसका जो है ड्रम ब्रेक में आता है, देख सकते हैं आप। पीछे का लुक कुछ इस तरीके का है और जैसा कि ये TVS इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जानकर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसे पटना में यूज़ करने वाले तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। जैसा भी हो वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।